ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आप अपनी यात्रा पर होते हैं तो कई बार आपको आरटीओ, कभी पुलिस वाले तो कभी रिकवरी एजेंट रोकते ही होंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज में ऐसी ही घटना जहां गाड़ी ड्राइवर को रोका गया, क्या हुआ आगे आइए जानते हैं। 14 अक्टूबर की ये घटना है भरतपुर बाईपास की। गाड़ी संख्या है HR63D0661। गाड़ी 2017 मॉडल है, LPS 4018। गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक हैं राजवीर, हरियाणा से हैं। इनके ड्राइवर हैं हरीश। गाड़ी मालिक ने गाड़ी को फाइनेंस करवाया हुआ है महिंद्रा कोटक रोहतक से, जिसकी किस्त हर महीने जाती है 55,300 रुपए। गाड़ी मालिक ने आज तक कोई किस्त नहीं तोड़ी है और समय पर ही किस्त अदा करवाते हैं। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस घटना में इस प्रक्रिया ने बहुत अहम रोल अदा किया है। अब आइए पूरे घटनाक्रम को जानें। 14 अक्टूबर की घटना, ड्राइवर हरीश अपनी यात्रा पर वापस आ रहे थे मथुरा से, जिन्होंने भरतपुर से नई लोडिंग करनी थी। भरतपुर बाईपास पर आते ही उनके आगे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आती है, जो इन्हें रुकने को कहती है। स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी संख्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्विफ्ट गाड़ी रजिस्टर्ड है धूरी लाल के नाम से। 3-4 लोग स्विफ्ट गाड़ी से उतरते हैं और ड्राइवर हरीश को रुकवाते हैं। हरीश से पूछताछ शुरू कर ये कहते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, यानी किस्त रुकी हुई है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको शुरू में बताया है कि मालिक ने कोई किस्त नहीं तोड़ी है। उन्होंने ये पूछा ड्राइवर हरीश से कि गाड़ी राजवीर के नाम से है, उसकी किस्त पेंडिंग है, आपकी गाड़ी सीज करनी है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है तो सतर्क रहें। हाँ मैं भैया भेज दूंगा मालिक, बात है भैया, फाइनेंस वाले फाइनेंस वाले से मोदा प्रूफ चाहिए कुछ भैया। बिल्कुल भैया, गुरु मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ, नौकरी में तो घर को राजा हूँ। मैं तुम्हारे बत्ती नहीं करी है, कोई दिक्कत ना है तो खूब फोन कर लो, फाइनेंस वाले नौका कर लो। मैंने कहा तुम फाइनेंस आ रहे हो, कहा मैं तो देख रहा हूँ फाइनेंस आ रहे हो। बोलो गुरु जी, आपको बहुत देर रही। हाँ बोलो गुरु, सुनो तुम्हारी अब ड्राइवर हरीश ने रिकवरी एजेंट से भी थोड़ी डिटेल पूछी कि कौन सा बैंक है, लेकिन रिकवरी एजेंट्स को ये कहाँ मालूम था, तो वो कुछ भी बोलने लग गए। यहाँ पर आप ड्राइवर की सतर्कता देख सकते हैं। अब हरीश ड्राइवर ने रिकवरी एजेंट से प्रूफ के लिए कहा कि अपना कोई प्रूफ दिखाइए, जिससे ये पता चले कि आप रिकवरी एजेंट्स ही हो। ये सवाल सुन वो उलझ गए, क्योंकि असल में वो थे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग जो रिकवरी एजेंट बन कर आए थे। ड्राइवर हरीश को इस सवाल पर उनके होश उड़ते देख यकीन हो गया कि ये लोग झूठे हैं, क्योंकि हरीश जानता था कि किस्त 3 अक्टूबर को ही भरी है और कोई किस्त आज तक नहीं टूटी है। वो जरा सा भी नहीं घबराया, क्योंकि वो इस बात से जागरूक था। फिर हरीश ने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी, लेकिन रिकवरी एजेंट वहां खड़े हंसते रहे, ये सोच के कि ये क्या कर लेगा, बनाने दो वीडियो, और कुछ ना कुछ बोलते रहे। पर ड्राइवर लोकल था तो पास के गांव से अपने साथी और परिवार वालों को कॉल पर बुलाया, तब मामला उलझता देख फर्जी एजेंट वहां से भाग खड़े हुए। हरीश की जागरूकता ने एक लूट होने से तो बचा ली, पर ऐसे मामलों में हर कोई इतना सूझबूझ वाला नहीं निकलता और लूट जाता है। तो ऐसे में सवाल बनता है RBI और बैंक ऑफिशियल्स की रिकवरी प्रक्रिया पर। उनके कर्मी भी लगभग ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर फॉलो नहीं करते और जहां तहां गाड़ियां रोक कर रिकवरी करते हैं, जबकि ऐसा कानूनन वो नहीं कर सकते। ऐसा ध्यान देने वाली बात है, गाड़ियों को ऑन रनिंग रोड पर रोक कर रिकवरी नहीं किया जा सकता है, फिर भी वे ऐसा करते हैं। ऐसे केसेस में पहले नोटिस दिया जाता है, फिर गाड़ी को घर से रिकवर किया जा सकता है या जहां पर गाड़ी खड़ी है वहां से। RBI और बैंक ऑफिशियल्स को अपनी सही प्रक्रिया को सख्ती से पालन करवाना चाहिए, ताकि ऐसे गैर कानूनी प्रक्रिया का लाभ ऐसे अपराधी मानसिकता के लोग ना उठा सकें। ये तो ड्राइवर हरीश की सूझबूझ से हम इस जागरूकता की ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं, नहीं तो हो सकता है फर्जी रिकवरी एजेंट्स द्वारा लूटपाट का मामला की न्यूज हम आपको देते। ये हाई टाइम यानी उचित समय है RBI और बैंक्स द्वारा अपने प्रोसीजर को सही ढंग से लागू करने का, और गाड़ी मालिक और ड्राइवर भी नॉलेज रखें, ताकि ऐसे फर्जीवाड़े से बच सकें। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, जागरूक रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर
गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।